एवरीवन, दिस इज प्रिया धमेजा हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी हमारा पोर्टफोलियो का टॉपिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जिसमें हमने पोर्टफोलियो रिवीजन के बारे में शुरू किया था। एज यू ऑल नो, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये सब आपको अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है। जब जो इन्वेस्टर्स होते हैं एक जगह पैसा नहीं लगाते, एक जगह पैसा लगाने की जगह वो अलग अलग अपना जो है पैसा लगाते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि अगर पैसा डूबेगा तो एक जगह से डूबेगा, दो पे डूबेगा, इतने जगह पे पैसा नहीं डूबेगा। तो जिस जगह पे भी उनको लॉस होगा तो दूसरे से वो अपना जो दूसरा उन्होंने सोर्स में जो दूसरे अल्टरनेटिव उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से उनको कंपनसेट हो सके। तो ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि क्यों नीड होती है, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो जरूरी नहीं है कि सही सही जो उसने सोचा हो, जो उसका मेन पर्पस हो, उसी की उस पर्पस को उसने अचीव कर लिया हो। जैसे कि उसने जो सोचा था पोर्टफोलियो, शायद इससे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में उसका जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसको जो उसने सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न नहीं मिलती है। तो ये रीजन हो सकता है कि उसको पोर्टफोलियो रिवाइज करना पड़े। तो थोड़ी सी नीड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, तो नीड्स में आपके पास था नीड के अगर हम बात करें कि जरूरत क्यों होती है इसको रिवाइज करने की, तो पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। एडिशनल फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट मतलब मोर फंड्स आ गए हैं अब उसके पास। जब उसके पास फंड्स ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसको अपना जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसने पैसा कहीं से निकाला नहीं है, पैसा और लगाना चाहता है वो, तो इस वजह से उसका जो पोर्टफोलियो वो रिवाइज हो जाता है। तो फिर आ जाता है हमारे पास जो उसका इन्वेस्टमेंट का गोल है, मेनली गोल ही जो उसका है वो चेंज हो गया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फाइनेंशियल गोल जैसे उसके चेंज हो जाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को भी उसी हिसाब से रिवाइज कर लेता है। देन आ जाता है हमारे पास चेंज इन द रिस्क टॉलरेंट। तो हमारा जो इन्वेस्टर है पहले रिस्क ज़्यादा उठा रहा था, अभी वो रिस्क नहीं उठाना चाहता है, या ये भी हो सकता है कि पहले वो रिस्क से थोड़ा उठाने से डरता था, अभी वो रिस्क को उठाने के लिए रेडी है। तो रिस्क टॉलरेंस उसकी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, तो जो उसकी वजह से भी उसको क्या है पोर्टफोलियो रिवाइज करना पड़ सकता है। अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो उसको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क कम है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको अपना पोर्टफोलियो है जो रिवाइज करना पड़ सकता है। आई होप आपने पिछले लेसन को अच्छे से देखा है, समझा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये लेसन देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन स्ट्रेटजी की। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको उस दिन भी करवा दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी जहाँ पे फ्रिक्वेंट चेंजेस होती हैं इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ओवर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क। तो जो सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक्टिव पोर्टफोलियो रिविजन इज असेंशली कैरिंग आउट द पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। एट द एंड बात करते हैं एक्टिव रिविजन स्ट्रेटजी क्या है, जो पोर्टफोलियो को हेल्प करती है टू सेल एंड परचेज द सिक्योरिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द पोर्टफोलियो रिविजन। रेगुलर बेसिस ये क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करते रहते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। तो एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी भी बन जाती है ये, तो उसके लिए सेम वही चलता है आपका। ये देखो द टाइम स्किल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम स्किल, सो दैट कि आप पूरे के पूरे मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, पूरे के पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रख पाओ, और फिर उसके बाद कितना टाइम आपको सिक्योरिटीज को होल्ड करना है, कितनी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही, कहाँ पे कम पड़ रही, ये सारी चीज़ें आप उस हिसाब से देख के चलते हो, फ्यूचर को फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करके चलते हो, तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवा दिया था। तो इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लंबे टाइम तक अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और जो हमारे इंडेक्स होते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग है जो वो अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करते हैं। तो ये जो है मेनली
बिलीव करते हैं, सॉरी, बिलीव करते हैं इन द मार्केट एफिशिएंसी एंड द होमोजेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ अमंग द इन्वेस्टर्स. कि सब इन्वेस्टर्स की जो है एक्सपेक्टेशंस वो एक जैसी होती है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. तो ये जो है प्रोसेस है होल्डिंग अ वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो उसके बाद बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, तो ये जो है पैसिव रिविजन स्ट्रेटजी, अ पोर्टफोलियो मैनेजर कैन ब्रिंग चेंजेस इन द पोर्टफोलियो एज पर द फॉर्मूला प्लान्स ओनली. जो फॉर्मूला प्लान्स आपको बताए गए हैं ये उसके बेसिस पे ही अपने क्या है चेंज करते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला प्लान्स. तो देखते हैं कि फॉर्मूला प्लान क्या है. पहले ओवरव्यू में सुनो. फॉर्मूला प्लान्स आर सर्टन प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ मेनी एसेट्स एंड इंडिविजुअल कैन परचेज और सेल फॉर द पोर्टफोलियो रिविजन. तो ये आपको क्लियरली डिफाइन है यहाँ पे कि जो आपने पोर्टफोलियो रिवाइज करना है, कब सेल करना है, कब परचेज करना है. तो ये प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो जो फॉर्मूला प्लान्स हैं ये आपको गाइड करते हैं. एंड सिक्योरिटीज कैन बी परचेज और सोल्ड ओनली व्हेन देर आर चेंजेस और फ्लक्चुएशन इन द फाइनेंशियल मार्केट. ये तब ही करते हैं जब फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चेंजेस आती हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं. ओके, हाँ, तो वो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला प्लान्स के ऊपर. तो फॉर्मूला प्लान्स है जो आपके वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सेल परचेज के बारे में बताते हैं कि आपको कब है अपना जो पोर्टफोलियो है जो रिवाइज करना है. द अमाउंट में बी फिक्स्ड ईदर इन द कांस्टेंट और अ वेरिएबल रेशियो. दिस डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क और रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या, उसको रिस्क उठाने के लिए वो तैयार है और उसको रिटर्न कितनी चाहिए. ठीक है, तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ वन स्टॉक्स विच यील्ड द हाई रिटर्न विद द हाई रिस्क, वेयर एज अ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ द मोर बॉन्ड्स दैट हैव द फिक्स्ड रिटर्न. देखो ये मैंने आपको पहले भी करवाया था बेटा कि हमारे दो टाइप्स के पोर्टफोलियो है, मतलब कि मेनली हम कंसिडर करते हैं एग्रेसिव जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, और जो होता है हमारा कंजर्वेटिव थोड़ा डिफेंसिव टाइप का होता है वहां पे हमारा जो रिस्क है वो कम होता है. वहां पे हम फिक्स्ड रेट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर ज्यादा पैसा लगाते हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो उसके बाद है अजम्पशंस फॉर द फॉर्मूला प्लान. तो बेटा इसके कुछ अजम्पशंस है. तो पहली अजम्पशन ये है कि जो हमारी सर्टन परसेंटेज है इन्वेस्टर्स के फंड की वो दो कैटेगरीज में बांटी जाएगी. पहली फिक्स्ड इनकम में लगानी है, फिक्स्ड सिक्योरिटीज में लगानी है जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम हो, और दूसरा आपने लगाना है कॉमन स्टॉक में लगाना है. ठीक है, तो कहने का मतलब दो पोर्टफोलियो होने चाहिए, एग्रेसिव और डिफेंसिव. फिर आ जाता है कि जो हमारा मार्केट मूव्स हायर द प्रपोर्शन ऑफ द स्टॉक इन द पोर्टफोलियो में बी इधर डिक्लाइन और रिमेन कॉन्स्टेंट. जो हमारी मार्केट है वो मूव करेगी. ठीक है, जो हमारा प्रपोर्शन है स्टॉक का, जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है, जो स्टॉक में हमने पैसा लगाया है, या तो वो डिक्लाइन करेगा या वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा. फिर उसके बाद है स्टॉक्स आर ब्रॉट और सोल्ड वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस. जैसे ही प्राइस चेंज होंगे, अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो हम सेल परचेज करेंगे. इन्वेस्टर शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मूला प्लान वंस चूजन. एक बार आपने जो फॉर्मूला प्लान चूज कर लिया आप उसी के ऊपर उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आप उसको चेंज नहीं करोगे. इन्वेस्टर शुड सेलेक्ट द सिक्योरिटी दैट मूव अलोंग द मार्केट. इन्वेस्टर को वो सिक्योरिटीज चूज करनी है जो कि मार्केट में मूव करती रहे. ठीक है, आई होप ये अजम्पशंस आपको क्लियर होगी होंगी. तो उसके बाद है रीजंस फॉर द फॉर्मूला प्लान. तो फॉर्मूला प्लान्स हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टर
इन्वेस्टर को टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज फ्लक्चुएशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट में जैसे फ्लक्चुएशन चेंजेस आते हैं तो उसका हम अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। व्हेन वन कैन परचेज द शेयर व्हेन द प्राइसेस आर लेस, जैसे ही प्राइसेस कम होते हैं तो शेयर्स जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं, और जैसे ही मार्केट प्राइस हाई होते हैं शेयर्स के तो हम उन शेयर्स को बेच सकते हैं। ये फॉर्मूला प्लान हमें सुजेस्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला प्लान प्लान एन इन्वेस्टर कैन डिवाइड हिज फंड्स इनटू द एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो एंड इजीली ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन पोर्टफोलियो टू अनदर पोर्टफोलियो। जो हमारे फॉर्मूला प्लान है ये हमें बताते हैं कि आपने जो है दो पोर्टफोलियो अग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों मेंटेन करके रखने हैं। आपको फंड्स है एक फंड्स जो आप आपको बैलेंस बना के रखना होता है, तो एक पोर्टफोलियो में से निकाल के आपको दूसरे में लगाने होते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हो। आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा, तो ये समझ लो कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो क्या होता है और डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्या होता है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ द फंड्स दैट एप्रिशिएट क्विकली एंड गारंटी द मैक्सिमम रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। एग्रेसिव जहाँ पे जो हम शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी वहाँ पे इन्वेस्टर को ज्यादा मिलती है। डिफेंसिव पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज दैट डू नॉट फ्लक्चुएट मच, ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करती एंड रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द डिफेंसिव पोर्टफोलियो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मूला प्लान, बेसिक प्लान एंड रेगुलेशन फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर प्रोवाइडेड। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं कि हमें कब सेल परचेज करनी है, हायर प्रॉफिट्स हम ले सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, हमें कब हायर प्राइस के ऊपर पैसा कैसे यूज करना है, एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीजें हैं हमें फॉर्मूला प्लान से पता चलती है कि सिक्योरिटीज को कंट्रोल कैसे करना है और टाइमली हमने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर द फॉर्मूला प्लान, तो मेनली ये है कि ये हमें सिलेक्शन के लिए नहीं बताता है कि आपको कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है। ये स्ट्रिक्ट है एंड नॉट नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड फॉर्मूला प्लान शुड बी अप्लाइड फॉर द लॉन्ग पीरियड, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट में भी हाई। फॉर्मूला प्लान लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ेगी हमें सेल परचेज होता रहा तो। इवन इफ द इन्वेस्टर अडॉप्ट्स अ फॉर्मूला प्लान ही नीड्स अ फॉरकास्टिंग, मार्केट फॉरकास्टिंग हेल्प्स हिम टू आइडेंटिफाई द बेस्ट स्टॉक। चाहे वो फॉर्मूला प्लान यूज कर रहा है लेकिन फिर भी उसको जो है फोरकास्टिंग की नीड होती है, तो उसको अच्छे से मार्केट को फोरकास्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना पैसा वगैरह लगाना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूला प्लान, तो जो फॉर्मूला प्लान है मेनली रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसको एक्सप्लॉइट करना है इन द मार्केट एंड मेक देम सोर्स ऑफ द प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर। जैसे ही शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वो शेयर्स को सेल कर दे, जैसे डिक्रीज होते हैं उसको बाय कर ले, तो मेनली ये जो बीच का डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टर का बन जाता है प्रॉफिट। तो फॉर्मूला प्लान जो प्री डिटरमिन रूल्स होते हैं, तो ये सिक्योरिटीज को किस टाइम पे कब सेल परचेज करना और कब कितना ट्रांसफर करना है ये हमें उसके बारे में बताते हैं। सो दीज रूल्स अनेबल टू इन्वेस्टर टू ऑटोमेटिकली सेल द शेयर्स व्हेन देयर प्राइसेस आर राइजिंग एंड बाय शेयर्स व्हेन देयर प्राइसेस आर फॉलिंग। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स, तो ये मेनली फोर कैटेगरीज में बांटे गए हैं, कांस्टेंट प्रॉफिट कांस्टेंट रेशो प्लान, कांस्टेंट रुपी प्लान, एवरेज कॉस्ट रुपी सॉरी रुपी कॉस्ट एवरेज प्लान एंड वेरिएबल रेशो प्लान। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आई होप आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, आप लोगों को टफ नहीं लगना चाहिए ये। तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हूँ आपके पास अवेलेबल, तो कभी भी अपने डाउट्स को क्लियर करते हो चलो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट रुपी प्लान। तो कांस्टेंट रुपी प्लान में आपको क्या बताया गया है, ये बहुत ही पहली बात तो मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर्मूला है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर होता है मेनली टू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है, वन एग्रेसिव जिसमें क्या आ जाते हैं उसके इक्विटी शेयर्स सॉरी
इक्विटी शेयर्स एंड द अदर इज अ डिफेंसिव। ओके, तो जिसमें मेनली उसके आ जाते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। द पर्पज ऑफ दिस प्लान इज टू कीप द वैल्यू ऑफ द एग्रेसिव पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंट। जो हमारा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू को उसने कॉन्स्टेंट रखना है, दैट इज एट द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एग्रेसिव पोर्टफोलियो। मान लो मैं मेरे पास 20,000 है, 10,000 10,000 मैंने दोनों में लगा दिया। एग्रेसिव पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने शेयर्स वगैरह में पैसा लगाया, तो सिंपल सी बात है अगर शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पे मुझे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 से वो बढ़ के क्या हो जाते हैं, 12,000 हो जाते हैं। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है कि वो जो 2,000 रुपीज का मुझे बेनिफिट हुआ है वो यहाँ से निकाल के मैंने डिफेंसिव में लगा देने हैं जहाँ पे रिस्क मुझे कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। एज द शेयर प्राइस फ्लक्चुएट द वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो कीप चेंजिंग। जैसे ही वो चेंज होते हैं, शेयर प्राइस चेंज होते हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड व्हेन द शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजेस द टोटल वैल्यू ऑफ द एग्रेसिव पोर्टफोलियो इंक्रीजेस। तो टोटल वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि बताया 10 to 12 हो गया। अंडर दिस प्लान द इन्वेस्टर इज इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द फंड्स फ्रॉम एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू डिफेंसिव पोर्टफोलियो एंड देयर बाय बुकिंग द प्रॉफिट्स व्हेन द शेयर्स प्राइसेस आर इंक्रीजेस। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा इन्वेस्टर है वो फंड्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एग्रेसिव टू डिफेंसिव, फ्रॉम एग्रेसिव टू डिफेंसिव पोर्टफोलियो, और अपना जो प्रॉफिट है वो बना लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान द इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड द एक्शन पॉइंट, दैट इज व्हेन शुड मेक द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू बी कीप द रुपी वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंट। उसको इस प्लान के अकॉर्डिंग, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्शन प्लान कौन सा होगा, मतलब कि कब कितना इंक्रीज होने पे ही मुझे सेल परचेज करनी है। ठीक है, तो दिस प्लान फोर्सेज द इन्वेस्टर टू सेल व्हेन द प्राइसेस राइज एंड परचेज एज द प्राइस फॉल्स। ये प्लान है जो इन्वेस्टर को बताता है कि जैसे ही शेयर प्राइसेस राइज होते हैं वो क्या कर दे, सेल कर दे, और जैसे ही वो फॉल करते हैं वो उसको क्या कर ले, परचेज कर ले। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन द रिविजन पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। फॉर इंस्टेंस द रिविजन पॉइंट्स में बी डिटर्मिन एज 10%, 15%, 20% अबव और बिलो। मतलब कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से अगर 20% इंक्रीज हो गया तो मुझे क्या करना है, अगर डिक्रीज हो गया तो मुझे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है इस पॉइंट के नियर अबाउट। मतलब कि कुछ आइडिया उसने पहले ले लिया ना, तो उसके बेसिस पे वो अपना रिवाइज करता है। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वुड बी मोर एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड बी इंक्रीज, रिड्यूसिंग द बेनिफिट ऑफ द रिविजन पॉइंट्स। तो सिंपल सी बात है, जितनी बार आप अपना रिवाइज करोगे उतनी बार आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ेगी, तो आपका जो मेन बेनिफिट आपको होने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं ये आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है मैं आपको आगे टेबल में एक्सप्लेन करती हूँ, तब आपको इजीली वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो, ये हमारा कांस्टेंट रुपी प्लान। तो हमारे पास क्वार्टर्स हैं, शेयर प्राइस देखो आपको पहले बता दी गई 40, 45, 50। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 1250, 1250, 1000। 250 शेयर कहाँ गए, 1250 के बाद थर्ड क्वार्टर में आपने 250 शेयर्स हैं जो वो सेल कर दिए। सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो जो कि हमारा है एग्रेसिव, वैल्यू ऑफ डिफेंसिव पोर्टफोलियो जो कि है डिफेंसिव फिक्स सिक्योरिटीज वाला। सबसे पहले शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं। तो मेरे पास मान लो 1 लाख रुपीज था, 50-50 मैंने यहाँ दोनों में लगा दिया, दोनों में मेरा 50-50 लग गया। तो 50,000 यहाँ पे तो डायरेक्टली चले गए हैं,
लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 40 रुपीज का एक शेयर था, 1250 मैंने शेयर है जो परचेज कर लिए, तो वो मुझे कितने के मिले, 50,000, टोटल वैल्यू होगी 50,000। अभी शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया, 40 से कितना हो गया, 45 हो गया, तो मेरे पास शेयर तो उतने ही है। जब 45 को 1250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 56,250। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंसिव पोर्टफोलियो है वो तो अभी भी 50 है, तो टोटल वैल्यू है जो वो हमारी इंक्रीज हो गई, कितने की इंक्रीज हुई, कितना बेनिफिट हुआ, ये 50,000 है, ये 56,250 है, तो ये हमारा उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई भी रिविजन नहीं करनी है, साथ साथ कैलकुलेशन खुद करना। ओके, तो उसके बाद आ जाता है हमारा जो शेयर प्राइस है वो 50 हो गया, हमने जो है रिवीजन पॉइंट वो यहाँ पे 20% ले रखा है। ये आपको बता दे, ये रिवीजन पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे जाके हमने रिवाइज करना है, 20% अबव और बिलो द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जितनी हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उससे 20% अगर ऊपर जाएगा या 20% नीचे आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को रिवाइज कर देंगे। अभी देखो चेंज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, चेंज का फॉर्मूला नोट कर लो अगर नहीं पता तो, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, जितना डिफरेंस आया डिवाइड करना है आपको ओल्ड प्राइस के साथ इंटू 100। ठीक है, न्यू प्राइस कितना है मेरे पास, 50 रुपीज है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, न्यू प्राइस मेरे पास कितना है, 50 रुपीज, माइनस मैंने किया ओल्ड प्राइस वो है मेरा 40, ओल्ड प्राइस कितना है 40, 10/40 इंटू 100। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ये 20% ही आता है ना, तो 20% आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो पोर्टफोलियो है वो रिवाइज कर लेंगे। पोर्टफोलियो कैसे रिवाइज करना है, आपको बताया जैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, 45 टू कितना आ गया, 50 आ गया, 40 टू कितना आ गया, 50 आ गया, तो यहाँ पे फायदा यही पे होगा, शेयर प्राइस है 40 पे खरीदा, 50 पे बेच दो, 250 हमने शेयर है जो बेच दिए, 50 रुपीज का एक शेयर है, 1,000 शेयर हो गए हमारे पास, 50,000 रुपीज आ गए, और ये जो पैसा है जो डिफरेंस आया, पहले वाली पोजिशन आ गई 50,000 की, तो बाकी का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोर्टफोलियो को रिवाइज कर दिया, कैलकुलेशन खुद करके देखना, प्लस माइनस ही है। उसके बाद फिर हमारे पास फोर्थ क्वार्टर आया, फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास शेयर प्राइस 45 हो गया, मतलब कि डिक्रीज हो गया, हमारे पास शेयर कितने 1,000, वैल्यू कितनी होगी 45,000। ठीक है, तो ये हमारा वैसे ही चल रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना है। उसके बाद 40,000 40 रुपीज शेयर प्राइस आ गया, तो अभी देखो शेयर प्राइस फॉल कर रहा है, जैसे ही शेयर प्राइस फॉल करेगा आपको क्या करना है बेटा, आपको शेयर्स को परचेज कर लेना है, 250 शेयर्स परचेज कर लो, आपके जो बैलेंस है 50,000 पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना इस पॉइंट पे जाके पोर्टफोलियो है क्या कर देना, रिवाइज कर देना, एक बार पढ़ के देखना खुद से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके एडवांटेजेस अभी सारा ओवरव्यू में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है कि दो पोर्टफोलियो बनाने हैं, एक एग्रेसिव एक डिफेंसिव, तो दोनों की वैल्यू आपने सेम रख के चलनी है। ठीक है, तो जो हमारा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, जैसे उसके शेयर प्राइस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो आप वहां से फंड को निकाल के सेकेंड में ट्रांसफर कर दोगे, तो इसका जो मेन एडवांटेजेस है वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल प्लान है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कांस्टेंट रुपी प्लान गाइड्स द इन्वेस्टर टू एज टू परचेज और सेल द शेयर डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर, दिस प्लान हेल्प्स इन्वेस्टर इंक्रीजेस द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की ये इंक्रीज कर देते हैं, टू कीप द पोर्टफोलियो वैल्यूज कॉन्स्टेंट इट necessitates continuous attention of the investor. It requires innumerable action to readjust the portfolio's value and the revaluation points placed too close together cause
एक्सेसिव कॉस्ट एंड रिड्यूस द पोर्टफोलियो। हमारा जो रिवॉल्यूशन पॉइंट है 20% हमने रखा था, तो अगर ये बार बार सिचुएशन आती रहेगी, जल्दी आती रहेगी, तो मे बी हो सकता है कि हमारी जो कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़े। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अगर मैं आपको दोबारा से पढ़ाना चाहूँ, तो आपने क्या सुना इस प्लान में? तो सिंपल सा प्लान है ये आपका। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज फॉर्मूला। इन दिस प्लान द इन्वेस्टर कंस्ट्रक्ट अ टू पोर्टफोलियो, वन एग्रेसिव कंसिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर एंड अदर इज द डिफेंसिव कंसिस्टिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। पर्पज क्या है इसका? वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो को हमने क्या रखनी है? कॉन्स्टेंट रखनी है। हमने एग्रेसिव की बात करी है, एग्रेसिव को हमने कांस्टेंट रखना है। हमने डिफेंसिव की बात नहीं करी कि हमने डिफेंसिव को भी कांस्टेंट रखना है। हम डिफेंसिव को बढ़ाएंगे, कहाँ से फंड आएगा उसको इंक्रीज करने के लिए? एग्रेसिव से जो हमें इंक्रीज आएगा, हमें गेन होगा, हम वहां से डिफेंसिव को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आया? एज द शेयर प्राइस फ्लक्चुएट द वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो कीप चेंजिंग। जैसे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, और शेयर प्राइस इंक्रीज होने के कारण जो हमारा टोटल वैल्यू है एग्रेसिव पोर्टफोलियो का, वो इंक्रीज हो जाता है। अभी आपने टेबल में देख ही लिया। तो अंडर दिस प्लान द इन्वेस्टर इज इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द फंड फ्रॉम एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू डिफेंसिव पोर्टफोलियो एंड देयर बाय बुकिंग द प्रॉफिट वेन द शेयर प्राइसेस आर इंक्रीजेस। जैसे ही शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो वो अपनी प्रॉफिट्स को बना लेते हैं। एंड फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिफेंसिव पोर्टफोलियो टू द एग्रेसिव पोर्टफोलियो वेन द शेयर प्राइसेस आर डिक्रीजेस। उसी तरह से जिस तरह से एग्रेसिव टू डिफेंसिव जाते हैं, जब गेन होता है तो एग्रेसिव टू डिफेंसिव जाते हैं, जब गेन होता है तो एग्रेसिव टू डिफेंसिव जाते हैं, तो उसी तरह से उसके ऑपोजिट जब उनको जब लॉस होता है तो फिर डिफेंसिव टू एग्रेसिव जाते हैं, तो वहां पे हमने पैसा लगाना होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो प्लान है हेल्प करता है टू बाय शेयर्स व्हेन देयर प्राइसेस लो एंड सेल देम व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। जब प्राइसेस हाई है तो उसको सेल कर दो, जब लो है तो उसको परचेज कर लो। तो इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टर को डिसाइड करने पड़ेंगे एक्शन पॉइंट। व्हेन ही शुड मेक द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू कीप द रुपी वैल्यू ऑफ द एग्रेसिव पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंट। कब मतलब कि उसको है जो है फंड्स को ट्रांसफर करना है, तो जब वो 20% हमने जो भी माना 20% हमें वो चेंज हो जाएगा। तो दिस प्लान फोर्सेज इन्वेस्टर टू सेल व्हेन द प्राइसेस राइज एंड परचेज व्हेन द प्राइसेस फॉल्स। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो रिविजन पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट करती है रिटर्न के ऊपर। जैसे रिविजन पॉइंट 10%, 15%, 20% हो गया अबव, तो हमने नियर अबाउट आइडिया पहले ही ये चूज करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है पोर्टफोलियो रिविजन चलती रहती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो टेबल है वो आपको ऐसे थ्रेटिकल फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो किस तरह से ये जो चेंज होता है। तो ये देखो, टू पोर्टफोलियो नाउ हैव द वैल्यू ऑफ ₹50,000 एंड 52,560। तो हमारा पहले डिफेंसिव हो गया था, उसमें से 10,000 हमने निकाल के इस साइड लगा दिया, तो हमारा जो है ये चलता रहता है ट्रांसफर, एग्रेसिव टू डिफेंसिव, डिफेंसिव टू एग्रेसिव। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं आपके लिए ये नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ, सो दैट आपको बोरिंग ना लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए, सो दैट जैसे कोई नई वीडियो ऐड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।